पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? राजनगर। हाँ जी चलेंगे, बैठो बैठो आराम से, पैर पोटो चाय। हाँ चलो बैठो जी, सवारी लो रहे फिर चलते हैं। इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे जितने पैसे बनेंगे मैं दे दूंगा। चलो ठीक है जी, मैं तो चलो अरे दीदी कहाँ चल रहे हैं? अरे पहलवान, हाँ वो चौधरी साहब नहीं है फटाफट स्टूडियो वाले, हाँ जी उनके वहाँ एक बहुत बड़े राइटर है सुखदेव जी, सुनने में उन्होंने दूसरी शादी की है, हाँ। तो उन्हीं से बधाई लेने चल रहे हैं हम। अच्छा बहुत मोटा मिलेगा, चौधरी साहब बड़े दिल वाले हैं, बड़े नेक दिल हैं। अच्छा पैदल भी चलेंगे? अरे नहीं रे, देखते हैं कोई रिक्शा आता है फिर चलते हैं। देख आ गया रिक्शा वाले, रोको उसको, रोकियो भैया। आओ दीदी चल बैठ। चलो भैया। बेटा कितनी देर और लगेगी? बस पहुंचने वाले हैं माँ, बस। भैया माँ जी की आंखों में क्या होगा? माँ देख नहीं सकते, एक एक्सीडेंट में माँ की दोनों आंखों की रोशनी चली गई, तब से माँ बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। माँ जी आप चिंता मत करो, आपकी आंखें सही हो जाएंगी, उस भगवान ने जिंदगी दी है ना, तो भी काटने का रास्ता भी वही देगा। और देखना ये चिंगारी आपको बोल रही है, आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा जिंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ना, पर कोई बात नहीं बेटा है ना मेरे साथ, बस एक ही बात का दुख रहता है, इन आंखों से मैं ये दुनिया देख पाऊंगी कि नहीं। अरे नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर से बड़ा भी भगवान होता है, देखना वो भगवान एक ना एक दिन चमत्कार जरूर करेगा और आपकी आंखें जरूर सही हो जाएंगी। ठीक कहते हो बेटा। भैया रोक दो, आगे उतरो माँ, आगे आराम से उतरो माँ, उतरो माँ आराम से, ये रहो। ठीक है ठीक है, आ जाओ माँ, तुम यहाँ बैठो मैं बिठा दूँ, बैठो माँ आराम से बैठो, ये बैठो बेटा। हाँ तू मुझे यहाँ कहाँ ले आया? तूने तो कहा था बड़े भाई के घर जा रहे हैं। अरे माँ शंकर भैया ने यहीं का एड्रेस दिया था और कह रहे थे कि यहाँ पहुंचकर मुझे कॉल करें, तो बेटा फोन करना उसे। हाँ हाँ मैं फोन करता हूँ ना माँ। हाँ हमें आके ले जाएगा। हाँ 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 मैं करता हूँ कॉल कर। हेलो आराम बोल भैया, जहाँ आपने बोला था ना वहाँ पर मैं माँ को लेकर आ गया हूँ। अच्छा राम ये बता माँ को शक तो नहीं हुआ ना तुझ पर? नहीं भैया माँ को कोई शक नहीं, माँ का क्या होगा शंकर भैया फिर? अरे राम तू तो उसकी चिंता मत कर, दुनिया में बहुत सारे दयावान हैं, किसी ना किसी को माँ के ऊपर दया आ ही जाएगी। माँ की वजह से तेरी भाभी घर में कलेश करती है और तेरी बीवी से भी तो यही हाल है ना? अरे हाँ भैया मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है, और खुशबू है ना उसने तो घर में आंधी तूफान उठा रखा है, वो बोल चुकी है मुझे कि ये अपनी अंधी माँ को कहीं छोड़िए या तो वो फिर घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ राम यही तो सबसे बड़ी टेंशन है, अब इस टेंशन को यही छोड़ और
तू मेरे पास आ जा दो चार दिन के लिए, ठीक है? ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। बेटा राम, हाँ शंकर से बात हुई? हाँ बात हो गई है, बस वो थोड़ी देर में आने वाला है। मेरा शंकर पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं उसकी बीवी उसे खाना देती होगी कि नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपने शंकर की देखभाल करूंगी। अब 2 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसी के पास रहूंगी। हाँ माँ, मुझे ना प्यास लगी है, आपको भी प्यास लगी है? हाँ बेटा मुझे भी प्यास लगी है। तो माँ मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ हाँ लेके आ बेटा, जा। मैं कहीं जाना मत है, मैं अभी आता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तू ले आ पानी लिए। बहुत देर हो गई, राम अभी तक नहीं आया। लगता है दुकान बहुत दूर होगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती। भैया गाड़ी रोकना, अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये तो वही बुढ़िया है ना? हाँ दीदी ये तो वही बुढ़िया है जो सुबह हमें रिक्शे में मिली थी। हाँ दीदी। ये यहाँ अकेले क्या कर रही है? हमें तो 5-6 घंटे हो गए वापसी आते हुए। इसके साथ तो इसका बेटा भी था, लेकिन ये अभी अकेले बैठी है। चल तो जरा देखते हैं। पैसा दे दे जरा। कितने हो गए भैया? माजी, मैं आपका बेटा राम नहीं, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी? कौन चिंगारी? माँ जी सुबह जिस रिक्शे से आप आ रही थी ना, उसी रिक्शे में मैं भी आ रही थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं अकेले? मेरा राम ना पानी लेने गया है, अभी तक नहीं आया, बहुत देर हो गई, मेरा गला भी सूख रहा है। मेरा राम कहाँ रह गया? मेरा राम कहाँ रह गया? भगवान हे भगवान, मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? अनजाने शहर में वो पहली बार आया है, कहाँ रह गया? माँ जी सुबह से शाम हो गई है और आपका बेटा अभी तक नहीं आया पानी लेके। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। माँ जी वैसे आप आई कहाँ से हैं? ऐसा मत बोल बेटा, मेरा राम आएगा, शंकर भी आएगा, मुझे लेने आएगा, वो जरूर आएगा राम। अच्छा माँ जी आपको अपने बेटों का नंबर याद है? हाँ मेरे दोनों बेटों का नंबर याद है। आप बताइए मुझे। हेलो, ये तो मेरे बड़े बेटे शंकर की आवाज है। शंकर भाई, आपका छोटा भाई आपकी माँ को यहाँ राजनगर में छोड़ के चला गया है, आके आप लेके जाओ। देखो भाई तुम जो भी हो, मेरी तरफ से एक काम कर दो, इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ,
बदले में मैं आपको 1000-2000 पेटीएम कर देता हूँ। शंकर बेटा तू ये क्या बोल रहा है? वही माँ जी जो आपने सुना। देखो भाई, मैंने अपने छोटे भाई को बोला था कि माँ को छोड़कर चला जा, और आप एक काम करो, इनको किसी आश्रम में ले जाकर छोड़ दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपके फोन पे 2-3 हजार रुपए दे देता हूँ। साले हरामी, सबसे पहले अपनी माँ के आंसू की कीमत अदा कर, मुझे 2000 रुपए देगा तू? जिस माँ ने पैदा किया, कम से कम उसके एहसान के बारे में तो सोच साला। हेलो हेलो साला, फोन काट दिया। ऐसी औलादों पे थू है। माँ जी, आपको अपने छोटे बेटे का नंबर पता है? हाँ। आप बताइए। हेलो, मैं किन्नर बोल रही हूँ, क्या तू एक मर्द बोल रहा है? क्या बकवास कर रही हो ये? साले कैसी औलाद है रे तू, अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ के गया है। सुबह जिस रिक्शे में आ रहा था तू, उस रिक्शे में मैं भी आ रही थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, और तू यहाँ अपनी माँ को छोड़ के भाग गया, भड़वा साला। साला ये भी फोन काट दिया। माँ जी, कैसी औलाद को आपने पैदा किया हुआ है? अरे माँ जी, हम किन्नर जरूर हैं, लेकिन ऐसे हरामियों की तरह नहीं है। हम तो दूसरों का दुख भी अपना दुख समझ के पी जाते हैं। माँ जी आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। आओ माँ जी चलो, पहलवान चल। आओ माँ जी। बेटा मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? भगवान ने तुझे किन्नर बनाकर पैदा किया, लेकिन मेरे बेटे मर्द होकर भी ना मर्द हो गए। एक अंधी माँ का बोझ नहीं उठा सके, उसको छोड़ के चले गए। इससे तो अच्छा है भगवान मुझे बे औलाद रखता। आइए माँ जी चल। माँ जी आप चिंता मत करने किसी चीज की, मैं हूं ना चिंगारी और पहलवान है, आपकी जिंदगी भर सेवा करेंगे हम दोनों। नमस्ते मम्मी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं मम्मी, यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा एक बार रुकना। जी तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या बेटा रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम नेहा है,
मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरे बिल्कुल भी नहीं सुनते, मैं क्या करूं? बेटा अब तुझे चिंता करने कोई जरूरत नहीं है, ये चिंगारी कन्नर तेरे साथ है, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान सामान ले ले बेटा, चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो, आराम से चलना बेटा। ले बेटा खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है, खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है, अभी तक राशन लेकर नहीं आई? आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही तू खाली हाथ कैसे आ गई, राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है, माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना राशन कहाँ है, राशन कहाँ है, बोल। ये दो नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं, चिंगारी कहते हैं मुझको, तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना, चल चल निकल यहां से। सुन इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों, इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है, हैं? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है, तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूँ और ना ही औरत, मैं पता है कौन हूँ, चिंगारे, चिंगारे किन्नर, और दो इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए, बोल। ए चिंगारी सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे, कौन से कानून में लिखा है? बोल। दीदी लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है तभी इस बिचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी दो बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है, राज कर रही है, राज। वाह कितने खुश मन से बोल रही है ना कि दो बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया, ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन गई है तो उतार दे उसका खर्चा। ये बता कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना 2 लाख रुपए। दो लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है, मन तो कर रहा है सालों को 2 लाख मारूं मैं, बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से, इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं है, मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा किस्मत के सारे बुजदिल जिया करते हैं, जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, पैसे मैं दे रही हूँ दोनों को लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए तू हद से आगे बढ़ रही है, तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे अभी चिंगारी शांत है, चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे उस तेरे शीश महल को। तू अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी हो रहते हैं आप, अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है
वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना, तो रिश्ते ऐसे तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूं तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे, लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी, मेरी जिंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ, और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया, पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा आ गया। आ गया ना, अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है, अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं, ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी, और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना, तो व्यूअर्स मिलियनों बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारे, चिंगारे इज ऑन फायर। क्या हुआ शिखा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? पता नहीं सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। आओ। शिखा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हेलो, आ जाएगी? जो तेरे को बोला था काम स्टार्ट कर लिया तूने? हाँ, बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, ठीक है? आज साली का गेम बजा के रहेंगे। दिमाग खराब कर दिया यार, शादी 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 यार, कितना शादी करूँगा मैं, हद है यार। बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, जो सामान लाने को कहा है वो ले आइयो, ठीक है? अरे यार कन्वेंस कर लिया है लेकिन मान नहीं रही है, कह रही है कि मेरा मन खराब है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। बोल दिया है उसे मैंने, बस लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? हाँ, ये तो वही लड़का है जो उस लड़की के साथ बैठा था, ये तो उस लड़की को धोखा दे रहा और उसको मारने की बातें कर रहा है, लगता मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो एक बेटर हूँ। अरे चिंगारी दीदी आ गई, अब इन्हें सारी बातें बताते, यही कुछ करेंगे इसका। ठीक है, लेके आ रहा हूँ सर, ठीक है? मैं ठीक है, रख। बताओ पहलवान, क्या खाएगा तू आज? दीदी तंदूरी रोटी और पनीर और एक गिलास रायता। ओ घोचू, ये खाने का रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ नाश्ते का रेस्टोरेंट है। और रायता पी के इस ठंड में तू मरना चाहता है क्या? तू मर गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक गिरा दे तूने ना। सुन, मौसम देख के ना चाय समोसा खाने का मन कर रहा है, क्या बोलता है तू? ठीक है, ठीक है। वेटर भैया, वेटर भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भैया? ठीक है। काम करो, दो समोसे और दो चाय लेके आओ, बहुत दिन हो गया आपके रेस्टोरेंट में चाय समोसे खाए। जी दीदी। जाओ भैया। फिनिश करो, अभी कहीं चलना। लेकिन क्यों शिखा, तुम सवाल बहुत पूछती हो।
रहना दो, हम नहीं जा रहे। शेखर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो और तुम ये बात बात पे मुंह क्यों फुला लेते हो? मुंह फुलाने की बात है यार, तुम जब भी देखो हमेशा सवाल पूछती रहती हो। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। फिनिश करो फटाफट पैसे। बैठ गई। क्या बदतमीजी है ये? तुमने चाबी क्यों निकाली? बेटा तू इधर आ। पट्टू। क्या ये? ओए तू! चलट! हिजड़ी छक्की गई थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर हर उस जगह पहुंच जाती है जहां या तो जुर्म होने वाला होता है या जुर्म हो रहा होता है। समझा? जुर्म? कैसा जुर्म? क्या बकवास है ये? अच्छा बकवास? ये पता तू इस लड़की को लेके कहाँ जा रहा है? बोल। हम तो घूमने जा रहे थे। घूमने जा रहे हो? घूमने जाने का बहाने तुझे जान से मारने का प्लान है इसका, समझी? बोल बोल। क्या ये सच है? ए, नहीं नहीं झूठ बोल रहा है ये। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल, सच बोलेगा? बोल बोल बोल। जो बताना सच बताना, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बना दूंगी तेरी मैं। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल बोल, इसको लेके कहाँ जा रहा था? बोल बता दो। बता ये मेरे गले पड़ गई थी, हर बार शादी करने को बोलती थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। शेखर तुम इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और तभी तभी मेरा सुबह से मन घबरा रहा था। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए और बनो प्रेम की दीवानी। कमीने, वो तो रेस्टोरेंट के वेटर ने मुझे बता दिया कि तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है, वरना तू इसे जान से मार चुका होता, समझा? दीदी इसके साइज का ढक्कन नहीं है क्या आपके पास? बेटा पहलवान, चिंगारी के पास हर साइज का ढक्कन है। आज इसकी सांसों का ढक्कन ऐसा बंद करूंगी ना, इसकी आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर आज आप नहीं होते तो ये तो मुझे मार ही देता। तुझ जैसी लड़कियों को तो पैदा नहीं होना चाहिए, और पैदा होते ही तुम जैसी लड़कियों को काट देना चाहिए।
वो कहावत सुना है तूने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता, खासकर तुझ जैसी औलाद पे जो अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करती है। दूध के दांत टूटे नहीं और चल पड़ी आशिकी करने। सॉरी दीदी, मैं बहक गई थी, ना जाने कहाँ भटक गई थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पढ़ूंगी, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। माफ कर दो पहलवान, ये दे दे, ले जा इसे घर छोड़ दे। और सुन, आज के बाद से मैंने अगर देख लिया ना, ऐसा कुछ सुन लिया, काट के गंदी नाली में फेंक दूंगी। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे के नार। पहलवान ले जा इसको घर छोड़ के। सुन, बैग लेके जा अपना। पहलवान ध्यान से घर छोड़ाना इसको।